नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में कहा है कि कुंभ जैसा विशाल मेला भारत जैसे देश में ही संभव है। यहां प्रतिदिन एक यूरोप के बराबर आबादी विश्वास और आस्था के साथ आती है और गंगा में स्नान कर आत्म तृप्ति का अनुभव करती है। यहाँ बिना किसी दुर्घटना के आयोजन होते हैं। यहाँ की स्वच्छता, सुरक्षा और धर्मार्थियों के लिए किए गए इंतजाम कैसे किए जाते हैं, यह हम सभी के लिए जानना जरूरी है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित भी की। सामाजिक सरोकार के साथ अपनी रचनात्मक उल्लेख की उपस्थिति दर्ज करने वाली प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निर्देश दिए हैं कि उचित मूल्य की दुकान जिस मोहल्ले की हो वहीं स्थापित हो। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर राशन कार्ड को एटीएम कार्ड की तर्ज पर बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाए, जिससे आम आदमी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सके। श्री तोमर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर दो दिवसीय कार्यशाला का समापन कर रहे थे, जहाँ उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन के समय खरीदी में विलम्ब न हो और अनाज की गुणवत्ता के आधार पर तर्क सहित स्वीकृत और अस्वीकृत का आधार बनाए। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए ग्वालियर संभाग में नियुक्त सभी सहायक निर्वाचन अधिकारी का एक दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू हो गया। सिटी सेंटर स्थित स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त अरुण तोमर निर्वाचन के संबंध में जानकारी देने मौजूद रहे। इसके साथ ही राजस्व उपायुक्त विनोद भार्गव ने भी जरूरी जानकारी साझा की। संभाग स्तरीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी एवं अशोकनगर के सभी सहायक अधिकारी उपस्थित मौजूद रहे। ये संभाग के सभी जो है जो विधानसभा के एआरओज रहते हैं, क्योंकि आरओ तो सारी लोकसभा क्षेत्र का एक ही रहेगा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एआरओ नियुक्त किए जाते हैं, तो सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ का यहाँ प्रशिक्षण है। सभी संभाग के सभी जिलों के, पांचों जिलों के, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सभी के। ये एआरओ का प्रशिक्षण इस बात के लिए दिया जाता है कि उनकी जो ड्यूटी होती है वो नॉमिनेशन फॉर्म लेने से लेकर और मतगणना तक सभी में जिस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर के जो दायित्व होते हैं उनको सहयोग के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग है। जो निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य हैं वही कर्तव्य इनको संपादित करने होते हैं। चित्रकूट में बजरंग दल से जुड़े आरोपियों द्वारा दो मासूम बच्चों प्रियांश और श्रेयांश की निर्मम हत्या किए जाने पर बच्चों के परिवार के दुख में साथ देने तथा बच्चों की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेसियों ने मंगलवार को शहर कांग्रेस कार्यालय में उन्हें मौन श्रद्धांजलि दी। इस दौरान यहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने बच्चों के हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिससे कि आगे इस तरह का कोई कृत्य न हो सके। आज श्रीमंत माधवराव सिंधिया कांग्रेस भवन पर विगत दिवस चित्रकूट में दो नौनिहाल बच्चों के साथ में जिस प्रकार से उनका उन्हीं के शिक्षक के द्वारा उनका अपहरण किया, अपहरण करने के बाद फिरौती लेकर जनमानस में उजागर न हो जाने के भय से उन बच्चों की नशन से हत्या कर दी गई, इसको लेकर आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी के अध्यक्षता में आज कांग्रेसजनों ने उस मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि आज दी है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है उनको सदगति दे। आज पूरा कांग्रेस जन ही नहीं, प्रत्येक मध्य प्रदेश का नागरिक भयाक्रांत है इस बात के लिए कि आज जब गुरुजन ही अगर इस प्रकार की कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। आज कांग्रेसजनों ने यह भी, हम आज के आपके चैनल के माध्यम से हम ये सरकार से भी हमने मांग की है कि इस प्रकार की घटना में जो भी दोषी व्यक्ति हो
उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आगामी लोकसभा चुनावों में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और युवा सक्रिय राजनीति में आगे आकर अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करेंगे। शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित युवा कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी चिरंजीव राव ने यह बात कही। उन्होंने यहां युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेवारी भी सौंपी। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के हमारे जोन के प्रभारी आदरणीय चिरंजीव राव जी हमारी मीटिंग लेने आए हैं, हमें धन्यवाद देने आए हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों के पक्ष में जो काम किया, इसी को आगे बढ़ाने के लिए जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है देश के अंदर 2019 में, इस तरीके से किस तरह से पोलिंग बूथ पर यूथ कांग्रेस के साथ ही काम करें अपने प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, इस सारी तैयारियों को लेकर आज हमारे जोन की मीटिंग रखी गई है आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले के संस्कृति गार्डन में बूथ स्तरीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन कर जिले में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन किया गया। सम्मेलन में ग्वालियर संसदीय सीट से जुड़े 8 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ ही भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने इन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जीत का मंत्र दिया। वहीं क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद प्रभात झा के साथ अन्य स्थानीय नेता भी सम्मेलन में मौजूद रहे। करीब करीब वैसा ही दृश्य आज भी दिखाई देता है। एक तरफ वो लोग हैं जो भारत माता की जय चाहते हैं, जो भारत को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, भारत को दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति से बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। उनके मंसूबे यही हैं। आज उनकी 44 सीटें और वो देश में धीरे धीरे कोने कोने में सिमट गए। समारोह में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम की नीतियों को निभाने में ग्वालियर सांसद नरेंद्र सिंह तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी वे ग्वालियर के लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बावजूद अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए कर्नाटक से पार्टी की इमाम थी कि वो करें वहां पर कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन तोमर जी ने मुझसे कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र में देना पसंद करूंगा और अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भागीदारी करना पसंद करूंगा, और इसीलिए जो 26 तारीख का कार्यक्रम कमल ज्योति है ग्वालियर के कार्यकर्ताओं को नतमस्तक होकर सलाम करता हूँ कि एक ऐसा हीरा आपने चुन करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा है जो कि हर कसौटी पर खड़े हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सम्मेलन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ग्वालियर जिले के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है और आगामी लोकसभा चुनाव में ग्वालियर में पुनः जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है। आज लोकसभा क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बूथ स्तरीय सम्मेलन था। इसमें कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत गाजे बाजे के साथ और पूरी ताकत के साथ इसमें भाग लिया और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि यही सब कार्यकर्ता अपने बूथ पर काम करेंगे और हम ग्वालियर लोकसभा भी जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से अधिक सीटें लेकर पुनः सरकार बनाने में सफल होंगे। ग्वालियर में एक बार फिर सिलेंडर फटने की घटना सामने आई है।
इस हादसे में महिला रीना परिहार की मौत हो गई है, जबकि उसे बचाने पहुंचा पति भी झुलस गया है। मामला पनिहार इलाके के नया गांव का है। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला को शव को पीएम हाउस पहुंचाकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। दरअसल सिलेंडर पहले से ही लीक हो रहा था और अचानक उसमें धमाका हो गया। धमाके की वजह से न सिर्फ घर पूरा जलकर खाक हो गया बल्कि दीवार भी उड़ गई। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि यह सिलेंडर प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत दंपत्ति को मिला था। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिलेंडर ब्लास्ट कितना भयानक था। घर में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, दीवारों पर आग के निशान नजर आ रहे हैं, खिड़कियां दरवाजे सब टूटे हुए दिख रहे हैं। वहीं बर्तन के अलावा घर का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया है। ये मेरी आंटी थी, ये सुबह 6:30 के आसपास जैसे ही चाय बनाने के लिए अंदर गई, जैसे उसमें लाइटर लगाया आग उस ब्लास्ट हो गया। क्या नाम है? रीना परियार। पति पंकज परियार ने है वो। इनकी 25-26 के आसपास है, उनकी भी ऐसे ही 27 के आसपास। नया गांव पनिहार। और नया गांव में घटना एक सिलेंडर फटने से महिला रीना परिहार पत्नी पंकज परिहार के सिलेंडर फटने आग लगने से मृत्यु हो गई। उम्र 28 साल है और ये काल आज 25 सुबह की है, आज सुबह घटना बता रहे हैं। जिले में नवनियुक्त शासकीय सेवकों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी देने और सुशासन के गुर सिखाने के उद्देश्य से सोमवार से ग्वालियर के साइंस कॉलेज परिसर में ITP ट्रेनिंग सेमिनार शुरू हो गया। 25 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले इस सेमिनार में राजस्व महकमे के उपायुक्त विनोद भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर MR कौशल द्वारा की गई। ये ITP प्रोग्राम है, 2 से 5 साल के जो नवनियुक्त शासकीय सेवक हैं उनके लिए ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग, ये एक बड़ी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है। इसका उद्देश्य एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, अपनी बिलोंगिंग के साथ कंफर्टेबल होना, एक संस्थान के लिए प्रोडक्टिव होना, अपनी स्किल को एनहेंस करना और अपनी जॉब के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होना है। ये 12 दिनों का ट्रेनिंग एक्टिविटी इवेल्युएशन और एक कंटिन्यूस साइकिल है। आज के बदलते हुए परिवेश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सुशासन की स्थापना अति आवश्यक है। ये 12 दिन की ट्रेनिंग है शुरू के। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपायुक्त राजस्व विनोद भार्गव जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में जो डायरेक्टर हैं SIHMC स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर AK दीक्षित सर हैं, और इसकी अध्यक्षता जो उच्च शिक्षा विभाग के AD MR कौशल साहब कर रहे हैं। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।